सो हे एवरी वन कैसे हैं आप आज हम फिर से आ गए हैं फॉर न्यू वीडियो ऑफ मेहंदी लर्निंग सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जल्दी से और साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर लीजिए सो so, मेहंदी सीखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू होल्ड यू कीप ठीक है तो हम ये आगे सीखेंगे बिगनर्स रेकमेंडेड टू ओनली यूज़ फ्रेश मेहंदी को सो लेट्सारो मेहंदी लगाना सीखने के लिए सबसे पहले हमको ए बी सी आनी चाहिए चीज़ की और ए बी सी जो होती है जैसे हम कहते हैं सबसे पहले हमको होल्ड कराना चाहिए कीप को और कीप आप अपनी कन्वीन के हिसाब से यूज आ, होल्ड कर सकते हो उसको पीछे से भी और अगर आप चाहो कि उसको पेन की तरह होल्ड कर कर आगे से पेन अगर प्रे, आप प्रेशर दे पाओ ठीक है तो आगे से पकड़ पहनने की तरह भी उसको होल्ड कर सकते हो चला सकते हो अभी हम सीखते हैं कि कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं हमको कीप को हल्का सा ऊपर से उठा कर करना है ठीक है ये नहीं है कि आप जब भी होल्ड कि जब होल्ड करोगे आगे से जब मेहंदी निकालोगे आप अगर पेपर या आप हाथ पे टच करोगे कीप को तो ये देखिए आपकी जो लाइन है वो टेडी मेडी सी आएगी तो ये हमारी मेहंदी को अच्छी लुक नहीं देती सो so, इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप कीप को हल्का सा उठा कर ही लाइनिंग करें देखिए जैसे मैंने अभी ये एग्जाम्पल दी है ऊपर वाला तरीका हमारा जो लाइन का है अगर हम कीप को हल्का सा उठा कर यूज़ करेंगे तो आपके लिए वो कन्वीनियंट होगा ठीक है जैसे मैंने अभी किया तो जब मेहंदी सीखते हैं हम तो हम लोग जब स्टार्टिंग होती है तो डिजाइनिंग पे सीधा डिज़ाइनिंग पे जाने से पहले हम लाइनिंग अगर करें ठीक है मेहंदी से मतलब अगर लाइंस बना बना कर बार बार लाइंस ड्रॉ कर 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 हम सीखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है उससे क्या है कि हमको क्यों की पकड़ने का अंदाज़ा हो जाता है मेहंदी कैसे निकालनी है उसका प्रेशर कैसा होगा ये उसको उसका हमें अंदाज़ा हो जाता है ठीक है और जब हम ये सब सीख जाते हैं तो हमारे लिए मेहंदी का डिज़ाइन बनाना भी इजी हो जाता है आसानी से हम मेहंदी लगा सकते हैं अपने हाथ पर तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन लगा कर दिखाया ऐसे ही ठीक है अगर हमको मेहंदी सीखनी है तो हमको ये लाइनिंग मतलब कीप को कैसे पकड़ना है वो सब हमें अच्छी तरह से आना चाहिए आपको प्रेशर कैसे देना है जब आप स्टार्ट करते हो तो प्रेशर हल्का रखो ठीक है तो प्रेशर को हल्का रखो जब शुरू करते हो तो और और फिर जब उसी प्रेशर को कंटिन्यू रखो जब तक आप हमारी लाइन जो है ख़त्म नहीं हो जाती आपकी ठीक है और एक एक बात और है कि जब हम कई बार हमको एक थिक लाइन लगानी होती है तो कई क्या करते हैं कि उसको प्रेशर करके कौन को सीधी थिक लाइन लगाने की कोशिश करते हैं जैसे ये तो इससे क्या होता है जो लाइन है हमारी अनइवन आती है क्लीन लुक नहीं आई ऊपर जो मैंने अभी जैसे लाइन ड्रॉ की है आप दूस आ, सिंपल लाइन ड्रॉ करो ठीक है उसके बीच में और हल मतलब दो लाइन ड्रॉ करके उसको बीच में से फिल कर दो तो आपकी जो लाइन है वो क्लियर आएगी ठीक है सो बस यही है आज के लिए जब भी हमको मेहंदी सीखनी है तो हमको मेन टेक्निक जो ए बी सी होती है इसका ए पॉइंट जो है मेहनत सीखने का वो यही है कि हमको कीप होल्डिंग आनी चाहिए और हमारा प्रेशर जो है उसको हमें कंट्रोल करना है जब स्टार्टिंग में आप प्रेशर रखोगे वो उसका रखोगे थोड़ा लाइट प्रेशर रखोगे और उसके बाद आप उसी प्रेशर को कंटिन्यू करोगे एक लाइन लगाने के लिए और तीसरी बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि पेपर को टच मत करना जब तो पेपर को टच करके लाइन लगाते हो तो वो अन इवन आती है अच्छी नहीं आती ठीक है तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हो रिकाइंगल सर्कल बना करके ठीक है ट्रायंगल बना करके ऐसे हल्के हल्की जो इमेजेस हैं उसको आप ट्राई कर करते रहिए नो दैट ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सो बस आप भी ऐसे लाइन लाइनिंग से प्रैक्टिस करते जाइए और कीप गोइंग सो बस यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दीजिएगा और हाँ सबसे ज़रूरी बात सब्सक्राइब करना चैनल को मतबूिएगा सो थैंक यू सो मच प्लीज़ की वॉचिंग माई वीडियोज़ थैंक